हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि तो आप ठीक ही है। तो मैं हूँ आशीष क्रिकेटर AK9 टेक्निकल से, और आज मैं लाया हूँ नोकिया की तरफ से एक धमाकेदार दमदार स्मार्टफोन जो कि लुक और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी हाई लेवल का बनाता है दोस्तों। और इस फोन में हम फ्री फायर या पबजी जैसे गेम को काफ़ी आसानी से खेल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लैग प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस फोन की अगर बैटरी की बात करें दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिलता है। और ये फ़ोन है दोस्तों नोकिया X60 जो कि 5G स्मार्टफोन है। अगर इस फ़ोन की प्राइस के बारे में आपको जानना है दोस्तों, या फिर इस फ़ोन के रिलीज डेट के बारे में आपको जानना है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे इस फ़ोन के प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं दोस्तों इस फोन की पूरी डिटेल की ओर, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें 6.51 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन जो कि 404 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा। इस फोन में हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और बेजलेस विथ वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। इस फोन की अगर परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो इसमें हमें हारमोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें दोस्तों, तो इसमें Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 6GB का रैम इस फोन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस फोन की कैमरा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की रियर कैमरा की। रियर कैमरा हमें क्वाड कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिलता है, जिसमें 108 MP का दोस्तों हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 MP का माइक्रो कैमरा और 5 MP का इसमें डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। LED फ्लैश की सुविधा दी गई है और इस कैमरा से दोस्तों हम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें मिलता है सिंगल कैमरा जो कि 16 MP का कैमरा हमें देखने को मिलता है, और सेल्फी के लिए ये कैमरा भी काफ़ी कमाल का है। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग इस कैमरा से भी हम कर सकते हैं। अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिया गया है दोस्तों। इस स्मार्टफोन में काफ़ी लंबी बैटरी बैकअप हमें इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इसमें हमें USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस फोन की स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें 128GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिलता है, जिसे हम SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। और इस फोन की अगर प्राइस की बात किया जाए दोस्तों, तो ये फ़ोन हमें 39,990 रुपये में देखने को मिलेगा, और ये फ़ोन दोस्तों जनवरी में हमें देखने को मिल रहा है। आई होप कि दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसमें कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।